नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सीटी मेंस एग्ज़ाम से संबंधित एक और नई खबर आई है। एडवोकेट वर्सेस एचएसएससी, एचएसएससी ने टीम गठित की और अब की बार होगा ज़बरदस्त आमना सामना। यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, एडवोकेट है रविंद्र ढुल, उनकी एक स्टेटमेंट आई है सामने, एक वीडियो मेरे को मिली उनकी, तो उसके अनुसार उन्होंने बताया सारी चीज़ें। उन्होंने बताया कि एचएसएससी ने एक अभी टीम गठित की है। सारी चीज़ें ध्यान से सुनना, क्या चीज़ है। एचएसएससी ने अभी टीम गठित की है 18 तारीख को, यानी कि आज। और उन्होंने किस चीज़ के लिए गठित की है, फिलहाल 1 सितंबर को जो सुनवाई होनी है उस चीज़ के लिए, उसके ऊपर काम करेगी एचएसएससी। यानी कि हर हाल में 1 सितंबर को एग्ज़ाम लेने की परमिशन ली जाए और ये केस है ये एचएसएससी के पक्ष में आ जाए, मतलब इसके लिए अभी काम करना शुरू कर दिया है। इसमें जो एडवोकेट है एजी साहब है वो भी इन्वॉल्व है और एचएसएससी की टीम भी है, वो डाटा भी कलेक्ट कर रही है जिस डाटा की ज़रूरत है। तो इसमें भी वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो तो वही बता सकती है या फिर 1 सितंबर को पता चलेगा। दूसरी तरफ एडवोकेट साहब है, उन्होंने बताया कि चाहिए कितना भी जोर लगाए, कोर्ट का फैसला है वो बच्चों के हित में ही आना है। इनको या तो दोबारा से सबकी जांच करवानी पड़ेगी या फिर सबको एग्ज़ाम में बैठने का मौका देना पड़ेगा। तो अभी मैंने दोनों की आपको बता दिया है, इधर एचएससी है वो भी अपना पूरा जोर लगा रही है, इधर एडवोकेट और बच्चे हैं वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। दोनों का आपस में ज़बरदस्त आमना सामना रहेगा। आप किसके बारे में क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या एचएससी को परमिशन मिल सकती है एग्ज़ाम की, या फिर जो बच्चे हैं जिन्होंने केस कर रखा है तो उनके पक्ष में फैसला जा सकता है, यानी कि एचएससी को दोबारा सबकी जांच करवानी पड़ सकती है। तो आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये एक अपडेट मेरे को मिली थी तो ये मैंने आपके साथ शेयर करनी की है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा।